बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है, मैं हूं राहुल। आगे बढ़ेंगे हम और अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेज़ी, किस में आई मंदी और आगे किस ओर जा सकता है बाज़ार। इसके अलावा कई और मुद्दों पर होगी चर्चा, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाज़ार। और आज हम खास तौर से बात करने जा रहे हैं लहसुन, सरसों, मोटे अनाज, आलू और गेहूं की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार आज हमारे साथ होंगे शिव श्रीवास्तव, जिनसे भाव पर चर्चा भी होगी। फिलहाल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। बढ़त के साथ हुआ लहसुन का कारोबार, कुछ मंडियों में स्थिर भाव पर हुए सौदे। शुरुआत करते हैं लहसुन से। कृषि उपज मंडियों में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन लहसुन की आवक सामान्य रही। इसके भाव की बात करें तो कुछ मंडियों में इसके भाव बढ़े तो कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। लहसुन के बाजार पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट, आइए देखते हैं। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो 22 जनवरी को कुछ मंडियों में इसके भाव बढ़े तो कुछ मंडियों में बिना किसी फेरबदल के साथ लहसुन के सौदे हुए। एग मार्केट के मुताबिक राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदों में स्थिरता के साथ कारोबार हुआ। यहां 20 जनवरी को लहसुन का भाव रहा 18,000 रुपए। 22 जनवरी को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 18,000 रुपए पर ही टिका रहा। जबकि राज्य की सूरतगढ़ मंडी में 20 जनवरी को लहसुन का भाव रहा 19,000 रुपए। 22 जनवरी को इसके सौदे 1,000 रुपए चढ़कर 20,000 रुपए पर हुए। पंजाब के जलालाबाद मंडी में 20 जनवरी को लहसुन का भाव रहा 7,000 रुपए। 22 जनवरी को इसके भाव में 2,000 रुपए का भारी उछाल आया और भाव जा पहुंचा 9,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में 22 जनवरी को लहसुन का भाव रहा 18,000 रुपए। साथ ही महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सोमवार को लहसुन का कारोबार 20,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक लहसुन की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 33,68,821 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 35,23,436 टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की पैदावार बीते साल से 1,54,000 टन कम होने की उम्मीद है, जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। देखिए आपने लहसुन पर हमारी रिपोर्ट, और अब लहसुन पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं बाजार के जानकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिव श्रीवास्तव जी। और यहाँ पर चूंकि अभी हमने लहसुन की बात की तो शिव श्रीवास्तव जी आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए लहसुन के बारे में क्या संभावना लग रही है आपको? आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो लहसुन की कीमतों में मजबूती का रूप देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक में कुछ नरमी देखने को मिली है। जहाँ तक आने वाले समय में लहसुन की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण लहसुन की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। तो ऐसे में जो किसान इससे जुड़े हुए हैं, जिनके पास स्टॉक भी है या कोशिश कर रहे हैं, तो किसानों को आगे क्या सलाह रहने वाली आपकी? जिन किसानों के पास लहसुन का स्टॉक है और अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। कुछ दिनों तक लहसुन की कीमतों में मांग में मजबूती के कारण तेजी का रुख ही बना रहेगा। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए हमारे इस कार्यक्रम में। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और सुर्खियों को।
सरसों की रिकॉर्ड पैदावार अनुमानित, मंडियों में सामान्य रही आवक। सूरत मंडी में 1850 रुपए पर हुए आलू के सौदे, पुणे मंडी में 1200 रुपए पर हुई खरीद। आगे बढ़ेंगे हम और अब बात करते हैं सरसों की। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को सरसों की आवक सामान्य रही। वहीं इसके भाव की बात करें तो कुछ मंडियों में इसके भाव गिरे तो कुछ में स्थिर भाव पर हुआ कारोबार। सरसों के बाजार पर आइए देखते हैं हमारी रिपोर्ट। सोमवार को कुछ कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव लुढ़के तो वहीं कुछ मंडियों में इसके सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। आवक की बात करें तो इन दिनों सरसों की आवक ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य देखने को मिल रही है। एग मार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की कोटा मंडी में 20 जनवरी को सरसों का भाव था 5150 रुपए। 22 जनवरी को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 5150 रुपए पर टिका रहा। राज्य की सूरतगढ़ मंडी में 22 जनवरी को सरसों का कारोबार 4713 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां की फतेहाबाद मंडी में सोमवार को सरसों के सौदे 5450 रुपए पर हुए। राज्य की मुगरा बादशाहपुर मंडी में सरसों के भाव की बात करें तो 20 जनवरी को यहां सरसों का भाव रहा 5480 रुपए। 22 जनवरी को इसके भाव में 5 रुपए की नरमी आई और भाव 5475 रुपए हो गया। सरसों की उपज पर नजर डालें तो इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की रिकॉर्ड पैदावार अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान 124.94 लाख टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान सरसों की उपज 119.63 लाख टन रही थी। तो ये देखिए आपने हमारी रिपोर्ट और अब हमारे साथ शिव श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, बाजार के जानकार हैं। आइए उनके साथ एक बार चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि सरसों के जो भाव हैं आगे किस ओर जा सकते हैं। शिव श्रीवास्तव जी, आपसे प्रश्न ये है कि आगे किस ओर जाता दिख रहा है बाजार सरसों का? सरसों की बात की जाए तो सरसों की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक सामान्य है। जहां तक इस सीजन में सरसों की बुआई की बात की जाए, लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि में सरसों की बुआई हो चुकी है जी। जो पिछले साल की तुलना में अधिक है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण सरसों की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। तो ऐसे में जिन किसानों के पास सरसों का स्टॉक है या जो स्टॉक करना चाहते हैं उनके लिए आपकी सलाह क्या रहने वाली है? जिन किसानों के पास सरसों का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। कुछ दिनों तक मांग में मजबूती के कारण सरसों की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। उसके बाद नई फसल आने के बाद इसकी कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिल सकता है जी। ठीक है, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। फिलहाल अब हम आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं गोभी की। गुजरात की सूरत मंडी में गोभी का भाव रहा 2250 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसका भाव रहा 1500 रुपए, जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 1800 रुपए, तो वहीं उत्तर प्रदेश की फतेहाबाद मंडी में भाव रहा 650 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित थे। अब हमारे कार्यक्रम में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है। पर बैंकिंग में नहीं, वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले, आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर एक बार पुनः स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे ज्वार के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं मक्का की। इस साल खरीफ मक्का की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2023-24 के दौरान देश में खरीफ मक्का की उपज 224.82 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो कि पिछले साल की 213.51 लाख मीट्रिक टन की पैदावार की तुलना में करीब 11 लाख मीट्रिक टन अधिक है।
अनुमान है कि खरीफ मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। मक्का के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार 22 जनवरी को मध्य प्रदेश की गोटेगांव मंडी में मक्का का भाव रहा 2100 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में मक्का के सौदे 2200 रुपए पर हुए। मक्का के निर्यात पर नजर डालें तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत ने विश्व भर में 34,53,680.58 मीट्रिक टन मक्के का निर्यात किया है, जिसकी कुल कीमत 8,987.13 करोड़ रुपए है। तो ये देखिए आपने मक्के पर हमारी रिपोर्ट। अब एक बार फिर हम जुड़ते हैं शिव श्रीवास्तव जी के साथ, कमोडिटी विशेषज्ञ हैं। तो यहाँ पर सर आपके लिए प्रश्न है कि मक्का के भाव की जो स्थिति है वो क्या रह सकती है आगे? मक्का की बात की जाए तो मक्का की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक इस रबी सीजन में मक्का की बुआई की बात की जाए, 21,29,000 हेक्टेयर भूमि में मक्का की बुआई हो चुकी है। जहां तक आने वाले समय में मक्का की कीमतों की बात की जाए, मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में भी मक्का की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। तो ऐसे में आगे जो किसान इससे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या आपकी सलाह रहने वाली है? जिन किसानों के पास मक्का का स्टॉक है मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण मक्का की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं बाजरे की। राजस्थान की लालसोट मंडी में बाजरे का भाव रहा 2150 रुपए। तमिलनाडु की तेनी मंडी में भाव रहा 2490 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की फतेहाबाद मंडी में भाव रहा 2500 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। आगे बढ़ेंगे हम और अब बात करते हैं ज्वार की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सीमित बनी हुई है। सोमवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही ज्वार की आवक हुई। इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 39,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 41,51,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 1,61,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। ज्वार पर अपनी जानकारी और बढ़ाते हैं एक बार कमोडिटी विशेषज्ञ शिव श्रीवास्तव जी के साथ जुड़ते हैं। तो आपने अभी चूंकि ये रिपोर्ट देखी सर हमारी, तो आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको भाव ज्वार के? ज्वार की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक ज्वार की बुआई की बात की जाए, अभी तक 23,52,000 हेक्टेयर भूमि में ज्वार की बुआई हो चुकी है जी, जो पिछले साल की तुलना में अधिक है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण ज्वार की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। तो किसानों के लिए यहाँ पर क्या सलाह रहने वाली आपकी? जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक है मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से ज्वार की कीमतों में वर्तमान स्तर से थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी जी, आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। तो ये सुनिए आपने हमारे एक्सपर्ट की बात। फिलहाल समय है एक ब्रेक का और आगे जानेंगे आलू का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार पुनः स्वागत है। अब बात चने की।
आंध्र प्रदेश की नंदीकोट कूर मंडी में चने का भाव रहा 5,335 रुपए, केरल की पलक्कड़ मंडी में भाव रहा 7,700 रुपए, वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 5,050 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की मोगरा बादशाहपुर मंडी में भाव रहा 6,560 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित थे। आगे बढ़ेंगे हम और अब बात करते हैं अमरूद की। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में अमरूद का भाव रहा 1,500 रुपए, पंजाब की लुधियाना मंडी में भाव रहा 3,000 रुपए, राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में इसका भाव रहा 2,500 रुपए, जबकि उत्तराखंड की रुड़की मंडी में इसका भाव रहा 1,200 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम और बात करते हैं आलू की। घरेलू स्तर पर इस साल आलू की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022-23 के दौरान देश में आलू की कुल उपज 59.74 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आलू की पैदावार 56.18 मिलियन टन रही थी। वहीं बात आलू की आवक की करें तो कृषि उपज मंडियों में सोमवार को आलू की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में इसका भाव रहा 1,850 रुपए, महाराष्ट्र की पुणे मंडी में आलू की खरीद 1,200 रुपए पर हुई, वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में आलू का भाव रहा 550 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की अकबरपुर मंडी में आलू 680 रुपए पर बिका। तो ये देखिए आपने हमारी रिपोर्ट आलू पर, और अब हम जुड़ेंगे श्री श्रीवास्तव जी के साथ, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे एक बार जानने का प्रयास करते हैं आने वाले दिनों में यदि हम आलू की बात करें तो किस प्रकार का जाता हुआ दिख रहा है आपको बाजार आलू का। आलू की बात करें तो आलू की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है, मांग सामान्य है, आवक जारी है जी। जहां तक आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में आलू की कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। अब हम आखिर में बात करते हैं गेहूं की। इन दिनों ज्यादातर मंडियों में गेहूं की आवक जो है वो सामान्य बनी हुई है। एगमार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में गेहूं के भाव इस तरह रहे। सोमवार को मध्य प्रदेश की जीरापुर मंडी में गेहूं का भाव रहा 2,515 रुपए, राजस्थान की कोटा मंडी में गेहूं 2,600 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की जहानाबाद मंडी में गेहूं के सौदे 2,160 रुपए पर हुए। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर रबी गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता हुआ दिख सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में रबी गेहूं की उपज 1,127.43 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50.01 लाख टन अधिक है। वहीं बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1,077.42 लाख टन रही थी। तो आगे बढ़ते हैं और एक बार पुनः जो है हम जुड़ते हैं अपने एक्सपर्ट शेफ श्रीवास्तव जी के पास चलते हैं। गेहूं पर हमने अभी चूंकि रिपोर्ट देखी तो सर आगे गेहूं का बाजार किस ओर जाता दिखाई दे रहा है आपको? गेहूं की बात करें तो गेहूं की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक इस रबी सीजन में गेहूं की बुआई की बात की जाए, लगभग 3,40,00,000 हेक्टेयर भूमि में गेहूं की बुआई हो चुकी है जी। जो पिछले साल की तुलना में अधिक है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण गेहूं की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। तो ऐसे में किसानों के लिए क्या कोई और विशेष सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। कुछ दिनों तक गेहूं की मांग में मजबूती की उम्मीद है, जिसके कारण से इसकी कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती समय दिया, अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया, हमारे किसानों के लिए आपने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे शिव श्रीवास्तव जी हमारे बाजार के जानकार। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अनार की। पंजाब की जलालाबाद मंडी में अनार का भाव रहा 5,500 रुपए, लुधियाना मंडी में भाव रहा 3,000 रुपए, जबकि राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में इसका भाव रहा 6,000 रुपए और उत्तर प्रदेश की मोगराबाद शाहपुर मंडी में भाव रहा 6,100 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित थे। आगे बढ़ेंगे हम और अब बात करते हैं गाजर की। गुजरात की सूरत मंडी में गाजर का भाव रहा 1,250 रुपए, महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसका भाव रहा 1,400 रुपए,
पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 1,200 रुपये, जबकि जलालाबाद मंडी में भाव रहा 950 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित थे। एक बार हम फिर से जो है गाजर के हम भाव देखते हैं। गुजरात की सूरत मंडी में गाजर का भाव रहा 1,250 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,400 रुपये। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी की बात करें तो भाव रहा 1,200 रुपये, जबकि जलालाबाद मंडी में इसका भाव रहा 950 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित थे। आज के मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। आशा है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से सहायता मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, जो इस समय आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। सरलता से आप इसे स्कैन कर सकते हैं। हमारा आज का ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करेंगे। आप हमारे तमाम कार्यक्रमों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।